आज के वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि अक्सर ये देखा जाता है कि यदि आप एमएस वर्ड या एक्सेल पे आप काम कर रहे हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो सेटिंग होता है वो बाय डिफॉल्ट हो जाता है। बाय डिफॉल्ट कहने का मतलब है कि वो अपने आप जो है कि 10 है, जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं तो आपका 10 हो जाता है, 12 हो रहता है, ठीक है, या फिर 11 होता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर एमएस वर्ड में आप ओपन करते हैं तो आपका कितना होता है, 11 होता है। लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हैं कि वो हम अपने अनुसार से इसे फिक्स करें तो आप कैसे कर पाएंगे, यानी कि जो डिफॉल्ट सेटिंग है ये बहुत ही काम आने वाली सेटिंग है, क्योंकि ये कभी कभी इतनी परेशानियां हो जाती है इसके बिना कि कभी कभी कोई लोग जो ऐसे होते हैं, जो जानकार वगैरह जो लोग होते हैं वो आपके फोन के साइज को काफी हाई कर देते हैं। काफी हाई करने की वजह से होती क्या है ये आपको बताते हैं कि इससे आपको करने से की वजह से ये आपको हो जाते हैं कि परेशानी आप काफी हाई कर दिए, बड़ा कर दिए, तो आप जैसे ही कोई स्टार्ट कर रहे हैं आपको पता नहीं चल पा रहा और आपका सेटिंग बहुत बड़ा लिखाना शुरू हो गया। आप चाहते कि मीडियम में कैसे लिखे, मीडियम में हो नहीं रहा है। अगर कोई कलर जो है कि आप यहाँ पे टाइप कर रहे हैं पर आपका लिखा नहीं रहा है, तो और कलर जो है कि आपका ब्लैक ही है फिर भी ये नहीं लिखा रहा, इसका कारण क्या है? तो हो सकता है कि जो कलर है वो कोई व्हाइट करके छोड़ दे, व्हाइट करके डिफॉल्ट कर दे। तो व्हाइट करके डिफॉल्ट करने से क्या होगा कि आप जब जब लिखेंगे वो लिखाएगा ही नहीं, ठीक है। तो आज उन्हीं सब से रिलेटेड आपको हम ये बताने वाले, आपको फॉन्ट का हम पूरे आपको ऑप्शंस को बता दिए थे, और आज हम फॉन्ट के अंदर जो हम ऑप्शन के अंदर में जब जाएंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेंगे, उसके अंदर डिफॉल्ट सेटिंग होता है उसको हम आज बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं आज की वीडियो में और हम स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड को। देखिए हमने यहाँ पे स्टार्ट बटन पे, आपको पता ही होगा कि आप एमएस वर्ड को कैसे खोलेंगे, स्टार्ट बटन पे आए, इसके बाद यहाँ पे टाइप करना बिन वर्ड, या फिर आप सर्च बॉक्स में लिखेंगे बिन वर्ड या एमएस वर्ड और यहाँ पे आप इसे ओपन करा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे एमएस ऑफिस वर्ड पे, एमएस ऑफिस वर्ड आपका जो है कि ओपन हो जाएगा कुछ समय में। देखिए ये आपका ओपन हो जाएगा। आज हमारी सिस्टम थोड़ी स्लो चल रही है, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, एडजस्ट करना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे ओपन कर चुके हैं, यहाँ पे 2-3 फाइल आपके खुल चुके हैं, हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं ओपन हो जाए तो देखिए यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट आपको कैसे खुले 10 में, ठीक है। यहाँ पे जो आपका 10 साइज है और जो कलर है लिखने के लिए, ये देखिए आप कैसा टाइप हो रहा है, ये आपका ब्लैक टाइप हो रहा है, ठीक है। ये देखिए वाई डिफॉल्ट यहाँ पे टाइप होते जा रहा है क्योंकि यहाँ पे काफी वर्ड लिखाए हैं इस प्रकार से, और इस सिस्टम स्लो होने के कारण जो है हम यहाँ पे टाइप कर चुके हैं पर ये ऑटोमेटिक आपका लिखाता हुआ चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए फॉन्ट सिटी के अंदर में यहाँ पर जाएंगे या फिर आप कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे तो एक बॉक्स खुलेगा आपको। इस बॉक्स के अंदर में देखिए यहाँ पे ये आपका फॉन्ट दिया गया है, आप यहाँ से फॉन्ट को सिलेक्ट कर ले सकते हैं कि कौन सा फॉन्ट आपको चाहिए। अगर कभी कभी ऐसा नहीं होता तो वहाँ के बाद आपको यहाँ से भी जो है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। जनरली क्या होता है कि आपको वहाँ से ही हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए एरियल है या फिर जो भी, यहाँ पे एरियल बाय डिफॉल्ट आपका स्टार्ट हुआ है। हमने यहाँ पे सेटिंग कर लेते हैं कि हमको बॉडी की लैंग्वेज चाहिए, यानी बॉडी सी एस चाहिए, आप बॉडी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जैसे हम कलर करें बोल्ड लिखाना शुरू हो जाए, आप यहाँ पे बोल्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पे फॉन्ट का कलर, यहाँ पे ब्लैक है, हम यहाँ पे फॉन्ट का कलर जो है कि यहाँ पर इस प्रकार से ले लेते हैं ब्लू वगैरह या ब्लोज का ही ले लेते हैं, ठीक है, ये हमने लिया। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे अंडरलाइन वगैरह लिखा है, आप यहाँ पे अंडरलाइन वगैरह भी ले सकते हैं। देखिए अगर आप यहाँ पे सिंगल या डबल अंडरलाइन, हम यहाँ पे भी बता चुके हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर अंडरलाइन का भी कलर चाहिए तो यहाँ पर देखिए अंडरलाइन का कलर दिया हुआ है, आप यहाँ पे अंडरलाइन का कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो और इसके बाद हम करना यहाँ पर जाएंगे और करेंगे डिफॉल्ट पे क्लिक। जैसे हम डिफॉल्ट पे क्लिक करेंगे हमको आएगा यस का ऑप्शन कि हमको रियल में करना है सेटिंग, तो हाँ। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ये आपको देखिए यहाँ पे ब्लू में कन्वर्ट हो गए, चेंज हो गया। लेकिन एक चीज और दिक्कत क्या हुई है आपको कि यहाँ पे आपको जो साइज है साइज को भी हमको थोड़ी इंक्रीज रखना है, ठीक है। हम फिर से चलते हैं डिफॉल्ट सेटिंग में और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे हम टाइप करते हैं यहाँ पे साइज को
साइज थोड़ा सा ले लेते हैं हम, 14 यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी अगर कोई लैंग्वेज वगैरह आपको लेने हैं, हेडिंग वगैरह या फिर जो भी आपको लेने हैं, आप यहाँ से हेडिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डिफॉल्ट पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आप यस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये देखिए आपको यहाँ पे हेडिंग आपका चेंज हो गया है। लेकिन अब रही बात कि क्या हमें यहाँ पे ओपन करने के बाद जो है कि फिर से ओपन करने के बाद क्या रहेगी, नहीं, चले देख लेते हैं। यहाँ पे जाते हैं, वापस यहाँ पे कर लेते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद हम फिर से यहाँ पे एमएस वर्ड को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए पहले का ये सब खुला हुआ था, अब यहाँ से जाते हैं, फिर से हम स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड को। हम एमएस वर्ड को स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं एमएस वर्ड के ऊपर में। आप लोग के सिस्टम में यहाँ पे जरूर होगा, अगर कोई सिस्टम में आपको और भी कहीं कहीं से सेटिंग हो गया होगा तो कहीं पर आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन जनरली आपको यहाँ पे कहीं पे दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि देखिए हम जब भी करें बहुत देर देर पर यहाँ पे खुल रहा, बहुत देर देर पर आ रही है, ठीक है। इस वजह से जो है कि आपको यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम भी हो रही होगी, आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से इसे देखिए। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं, 14 साइज है आपका, कैलवरी है, इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पे टाइप कर चुके हैं। पर यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि अभी टाइप ही हो रहे हैं, यानी काफ़ी स्लो सिस्टम है। लेकिन आपको ये दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे जैसे हम कैमरी किया, हमने कमारा कैमरी हो गया, यानी कि सिस्टम जब जब स्टार्ट करेंगे। देखिए हम फिर से यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, क्लोज करके आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम बार बार हो जा रही है। यहाँ पे अपने सिस्टम में करिएगा ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं होगा। स्टार्ट बटन में जाते हैं, इसके बाद हम कर लेते हैं एमएस वर्ड को यहाँ पे ओपन। एमएस वर्ड को ओपन करने के बाद ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग चली जाएगी, क्योंकि सिस्टम प्रॉब्लम कर रहा है और अभी बहुत सारे इसमें ऑप्शंस को हमको बताना है, तो थोड़ी सी समस्या होगी। देखिए यहाँ पे कुछ देर बाद यहाँ पे जो है कि आएंगे, यहाँ पे आपको सेटिंग के उपरांत जो है यहाँ पे काम कर नहीं रहे हैं अभी। आप अपने सिस्टम में करके देखेंगे, बिल्कुल अच्छे से होगा जो हमने डिफॉल्ट सेटिंग को बताया था। और बाकी ऑप्शंस के लिए अब हम अगले दिन के लिए रख, देखिए आपके कुछ समय में ओपन हुआ तो देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ चुके हैं। चलिए हम देखते हैं, कोशिश करके, थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग जाएगी, लेकिन आपको हम इसी वीडियो में जो है आपके बाकी ऑप्शंस को भी हम यहाँ पे बता देते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस मिला आपको, यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल आपको पता ही होगा, साइज आपको पता ही होगा। इसके बाद रही चीज़ की फॉन्ट, यहाँ पे आपको लैंग्वेज वगैरह आपको पता ही होगा, जो लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे बाकी ऑप्शंस पता ही होगा। ये आपका फॉन्ट स्टाइल रेगुलर में रखना चाहते हैं, बोल्ड या इटैलिक रखना चाहते हैं, ये आप रख सकते हैं, ये भी आपको पता है। साइज यहाँ पे जैसा बाय डिफॉल्ट साइज रखना चाहते हैं, आप यहाँ पे साइज को भी रख सकते हैं। फॉन्ट कलर आपको क्या रखना है, आप यहाँ पे कलर को भी रख सकते हैं। आपको अंडरलाइन क्या रखना है और अंडरलाइन कलर क्या रखना है, यहाँ पे देखिए बाकी है आपका जो सैंपल में दिखा रहा है, आप यहाँ पे सैंपल को समझ लें। देखिए यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है कि यहाँ पे जो स्ट्राइक थ्रू होता है, यानी कि बीच से आपका क्रॉस लगेगा, जब भी आप लिखेंगे यहाँ पे तो बीच में आपका क्रॉस लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही लिखे यहाँ पे बीच में आपका क्रॉस लग गया, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे कि डबल जो है डबल स्ट्राइक थ्रू, अगर आपको एक छोड़ के डबल लगाना है तो आप यहाँ पे डबल पे क्लिक करेंगे, ये आपका डबल स्ट्राइक थ्रू है। इसके साइज को यदि हम इंक्रीज कर लेंगे, बढ़ा लेंगे, तो आपको और थोड़ी सी अच्छे से दिखेगी। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे डबल अंडरलाइन, अगर आप सिंगल लगाना चाहते हैं सिंगल पे क्लिक करेंगे, डबल लगाना चाहते हैं डबल पे क्लिक करें, दोनों में से कोई भी नहीं चाहिए तो आप वापस इस पे क्लिक कर दें, हट जाएगा। इसके बाद है सुपर स्क्रिप्ट, सुपर का मतलब मैंने बताया ऊपर, यानी कि ऊपर में यदि लिखना है तो आप यहाँ पे सुपर पे क्लिक कर सकते हैं, और यदि नीचे में लिखना है तो साफ पे क्लिक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ही सुपर पे क्लिक करेंगे, देखिए ऊपर चला गया है और यहाँ पे सब का मतलब नीचे आ गया है, सब आपको पता ही होगा। इसके बाद रही चीज शैडो, शैडो का मतलब है कि जब आप टाइप करेंगे तो आपके पीछे से छाया आएगी, ठीक है, यानी कि थोड़ी सी और इसको बड़ा करें तो ध्यान से थोड़ा देखिएगा, आप इतने में आप देखिएगा या फिर इतने में साइज में आपको देखिएगा तो पीछे से हल्का परछाई की तरह आपको दिखेगा, शैडो आपको इस प्रकार दिखेगा। देखिए आपको लग रहा कि पीछे से देख रहे हैं, हल्का हल्का आपको इस प्रकार से दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा तो लिख देखिए लग रहा कि आपको जो परछाई की तरह है। देखिए यहाँ पर जैसे जैसे ही शैडो पर क्लिक करेंगे ध्यान से देखिएगा, हल्का पतला लगेगा, देखिए देखिए थोड़ी सी आपको इस प्रकार से मॉडिफाई हो रही होगी, इस बात को आप ध्यान से देखिएगा, देख रहे हैं तो छाया आएगी, ठीक है।
इसके बाद आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका आउटलाइन रह जाएगा। आउटलाइन का मतलब जो लाइनिंग का जो किनारा होता है वो आपका आउटलाइन होता है, और जो बीच का जो शेप होता है वो आपका फिल होता है। ठीक है, यानी कि अगर आपको फिल रखना है तो यहाँ पे आउटलाइन पे से क्लिक कर दें तो ये आपका पूरा के पूरा आपका फिल हो जाएगा। अगर शैडो आपको लिखना है शैडो कलर में तो आप शैडो भी यहाँ पे रख सकते हैं। अगर आउटलाइन करना है तो आप सिर्फ ये आउटलाइन रह जाएगा, बीच का कलर आपका कोई भी नहीं रहेगा। ठीक है, इसके बाद एम्बुश करेंगे तो एम्बुश करने से क्या होता है कि ये थोड़ी सी गाढ़ा और डिप में हो जाएगा, थोड़ा बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, ऊपर की ओर, और यही इंग्रेव करेंगे तो थोड़ी सी डाउन नीचे की ओर होगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं कि ये हल्का सा ऊपर की ओर टाइट हो रही है और ये हल्का सा नीचे की ओर डाउन हो रहा है। तो एम्बुश में क्या हो रहा है कि हल्का सा ऊपर टाइट और इंग्रेव में डाउन हो रही है। इसके बाद यहाँ पे स्मॉल कैप्स, स्मॉल कैप्स का मतलब कि बड़ा ही रहेगा, पर वो होगा क्या, बड़ा रहने के बाद वो होगा क्या कि आपको छोटा रह जाएगा। ठीक है, ये स्मॉल आपको इस प्रकार से छोटा, अगर ऑल कैप्स करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बड़ा। ठीक है, देख रहे हैं स्मॉल कैप्स का मतलब है कि सब छोटा हो जाएगा, लेकिन ऑल कैप्स करेंगे तो सारे लेटर बड़ा हो जाएंगे, यानी कि मीडियम में लिखाएंगे। तो इस प्रकार आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप इसे टाइप भी कर सकते हैं। अगर हम करेंगे इसको स्मॉल कैप्स कर लेते हैं ओके, और इसको हम टाइप करेंगे, देखिए ये आपके स्मॉल कैप्स हैं। और इसी को यदि हम यहाँ से कर लेते हैं सिलेक्शन, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर हम जाते हैं और इसे कर लेते हैं ऑल कैप्स में। जब आप ऑल कैप्स में जाएंगे तो आप इसे कर ला लेंगे ओके, देखिए ये आपको थोड़ी सी बड़ा हो जाएगी। ऑल कैप्स में जाएंगे ये काम नहीं कर रही, लेकिन ऑल कैप्स में इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, सॉरी ये स्मॉल कैप्स में करते हैं, ऑल कैप्स में ही था। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पे जाइएगा, करिएगा, आपको सेटिंग में आपका अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद है हिडन, हिडन में आपका ये फिलहाल काम नहीं कर पाता है। हिडन में यहाँ पे लिखता है कि दिस इज ए हिडिंग देम फॉन्ट द करेंट डॉक्यूमेंट थीम ड्राइव। ठीक है, विच इज फॉलोइंग, आगे करना है तो कर सकते हैं, और बाकी सबको हटाना है, नॉर्मल आपको रखना है फॉन्ट वगैरह सारे चीज को, तो आप इसे यहाँ पर से टिकट को हटा दें और बिल्कुल आप सिंपली वे में काम इसको करा सकते हैं। और ये रही चीज डिफॉल्ट सेटिंग, डिफॉल्ट का मतलब आपको पता ही है कि जैसे आप डिफॉल्ट लगाएंगे आपको वैसा ही रह जाएगी। जैसे हम यहाँ पे 48 कर दिए, आपको यहाँ पे 48 रह जाएगी। यहाँ पे अंडरलाइन का कलर अगर नन कर देंगे तो देखिए आपको नन हो जाएगी। लेकिन अगर इसमें एक और ऑप्शन दिया वर्ड ओनली, वर्ड ओनली का मतलब क्या होता है कि देखिए आपके इसमें, इसमें करने से क्या होगा, देखिए पहले हम नॉर्मल करके दिखाते हैं। देखिए इसमें आपको कंटिन्यू हो रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यू हो रहे हैं, लेकिन यदि आप यहाँ पे करेंगे वर्ड ओनली तो वर्ड ओनली के बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पे हम स्पेस भी दे रहे हैं ना, तो स्पेस के बाद भी जो है कि आपका अंडरलाइन कंटिन्यू है। लेकिन यदि आप यहाँ पे फॉन्ट में जाएंगे और फॉन्ट में जाने के बाद आप यहाँ पे टाइप करेंगे वर्ड ओनली, ठीक है, यहाँ पे वर्ड ओनली, तो वर्ड ओनली करने से क्या होगा कि आपको वर्ड बाय वर्ड यानी इंटर प्रेस करें, हम जैसे यहाँ पर लिखा राम श्याम मोहन, तो देख रहे हैं ये आपको वर्ड बाय वर्ड आपको अंडरलाइन है। तो आप अगर वर्ड बाय वर्ड लगाना चाहते हैं तो आप वर्ड बाय वर्ड भी लगा सकते हैं, और यदि आप ऐसे लगाना चाहते हैं तो ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉन्ट ग्रुप था, फॉन्ट ग्रुप आपका नॉर्मली खत्म हुआ, इससे आपको जो है कि इतना काम हो जाएगा। बाकी अगले वीडियो में जो कैरेक्टर वगैरह है, कैरेक्टर वगैरह को भी बता देते हैं। ठीक है, आपको देखिए यहाँ पे स्केल वगैरह रखना है कि जो इसका जो पोजीशन है आप 100% है, अगर 200 रखेंगे तो आपके 200 में आपको बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब हम कुछ और कैरेक्टर बेस पे आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे फॉन्ट के अंदर में आपको ये सारी चीज बता चुके हैं, सबस्क्रिप्ट वगैरह हटा देते हैं, इंग्रेव वगैरह को हटा देते हैं, यहाँ पे सारी चीज नॉर्मल को करा लेते हैं, यहाँ पे हो गए ओके। इसके बाद यहाँ पे अब हम आते हैं करेक्टर के ऊपर, करेक्टर में देखिए यहाँ पे दिया गया है स्केल। ठीक है, स्केल का मतलब है कि जो आपको जो लेटर वगैरह हैं, लेटर को आपको कितने टाइप्स में लिखने हैं, कितने में आपको क्या करना है, यहाँ से आप करा सकते हैं। जैसे मानते हैं हम यहाँ से कराते हैं 50, ठीक है, और यहाँ पे 50 कराते आपको डिफॉल्ट जैसे ही कराएंगे तो क्या हो जाएगा कि आपका जो साइज हो जाएगा वो आपको 50 में लिखाना शुरू हो जाएगा। ये देखिए ये जो आपको क्या हो रहा है, 50 जो स्केल है, स्केल का मतलब जो ये काफ़ी आपका पतला हो गया। ठीक है, इसी स्केल को यदि हम यहाँ से 50 के स्थान पे, देखिए हम शॉर्टकट का यूज करते हैं, बार बार क्लिक नहीं करते, कंट्रोल डी, ठीक है, यहाँ पे आप 50 की जगह मानते हैं हम करते 80 करेंगे तो देखिए हल्का सा और बोल्ड हुआ है, यानी कि हल्का से और मोटा हुआ, देखिए हल्का और मोटा। यदि इसी स्केल को हम 200 पे करें
या 100 पे करें, देखिए यहाँ पे यदि हम 100 करते हैं तो ये आपका और भी नॉर्मल हो जाता है, ये फॉन्ट नॉर्मल। तो यदि आपको कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं कहीं पर एकदम थिन में यानी पतला लिखना है, या तो आपको बोल्ड में लिखना है, गाढ़ा में लिखना है, तो आप यहाँ पे इसका यूज करा सकते हैं। इसके बाद फिर से चलते हैं, अगर आपको 200 रखने हैं 200 रखे, 300 रखने हैं 300 रखने हैं, आप रख सकते हैं। इसके बाद ये आपका स्पेसिंग, स्पेसिंग में आपको नॉर्मल देता है, एक्सपेंडेड देता है और यहाँ पे कंसीडर देता है। एक्सपेंडेड का मतलब क्या होता है कि थोड़ी सी ये और बढ़ेगी, यानी देखिए यहाँ पे सिंपल में आपके पॉइंट को बढ़ाएंगे तो देखिए इनकी जो दूरियाँ हैं एक दूसरे के बीच में क्या हो रहा है कि स्पेसिंग इसकी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, और यही थोड़ा सा इसको यदि हम कंसीडर कर दें तो ये एक दूसरे में और आकर के क्या होते हैं, ये सट जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे बढ़ाएंगे घटाएंगे तो क्या होगा, ये आपका सटेगा, ये आपको 4 तक होता है आपका। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे घट रहे हैं, ठीक है, ये आपका बढ़ रहा है, तो आप इस प्रकार से यहाँ इसको घटा बढ़ा करा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसे ले सकते हैं, इसका यूज करा सकते हैं। देखिए ये एक दूसरे में एडजस्ट हो गया। तो कभी कभी आप जब कोई पेज बनाएंगे, कोई प्रोग्राम बनाएंगे या फिर बुक बनाएंगे तो यहाँ पे इसका काम बहुत ही ज़्यादा होता है, तो आप इसका यूज़ करा सकते हैं। इसके बाद पोजीशन है, पोजीशन आपका नॉर्मल है, अगर रेज करेंगे और लोअर्ड करेंगे तो इसमें क्या होता है कि जैसे मानते हैं कि कभी कभी जो एरर देता है जो ग्रीन सिग्नल का, तो इस सिग्नल का एरर वगैरह को जो आप पॉइंट को बढ़ा सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे सिग्नल को देखते हैं, यदि ये अंडरलाइन वगैरह को हटाते हैं सबसे पहले, तो यहाँ से हम अंडरलाइन को करते हैं ख़त्म, और यहाँ पर जो साइज है इस साइज को भी ले लेते हैं नॉर्मल, हम इतना ले लेते हैं 11, और यहाँ से अगर लैंग्वेज वगैरह चेंज करने हैं यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह को भी चेंज ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको सिलेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए देखिए यहाँ पे जो सट सट के आ रही है उसी करने के वजह से यहाँ पे है, अगर इसको यहाँ पे करेंगे सिलेक्शन, यहाँ पे जो है कि आप इसको जो कंसीडर है इसको कर देते हैं एक्सपेंड। ठीक है, एक्सपेंड करने से क्या होगा, देखिए इन दोनों के बीच में क्या हो गए, गैपिंग आ गए। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि एक्सपेंडेड में क्या होगा, कंसीडर में क्या होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे जो और हम बताने वाले जो थे कि यहाँ पे जो रेज है, यहाँ पे आप चलते हैं कि थोड़ी सी इधर को देखते हैं कि क्या लिखने के बाद हमें ग्रामर मिस्टेक वगैरह आता है, जैसे राम आर राम आर ए वाई। ठीक है, इस प्रकार से देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये आपका एरर है। ठीक है, ये आपका एरर है, एरर इसको थोड़ा सा साइज को हम और बढ़ा लें। यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दिख रही है, इसको हम थोड़े से ब्लैक कर लेते हैं, ब्लैक करने से थोड़ी सी अच्छे हमें लगेंगे टेक्स्ट को। यहाँ पे कर लेते हैं वाई डिफॉल्ट ब्लैक, ये ब्लैक हो गया। नीचे देखिए यहाँ पे ग्रीन सिग्नल है, अब यहाँ पे चलते सिलेक्शन करते हैं और यहाँ पे आते हैं रेज के ऊपर। ठीक है, ये आपका रेज हो गया। इसके बाद हम इस पॉइंटर को बढ़ाते हैं इस प्रकार से और यहाँ पे करा लेते हैं ओके। जब हम ओके कराएंगे तो देखिए ये जो ग्रीन सिग्नल है ये आपका कहाँ आ गई है, ये आपका नीचे में। लेकिन यदि यही चीज़ और सटाना हो, लोअर वगैरह करना हो, तो आप यहाँ से लो रेड और लोअर करके जो है आप इसको कम बेसी भी मतलब करा सकते हैं। ये आपका नीचे में चला जाएगा, लोअर में मतलब चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे बिल्कुल लोअर में चला जाएगा, और यदि हम उसको करेंगे ऊपर में रेड करेंगे तो देखिए ये देखिए इरर जो देख रहे हैं आप, जो ग्रीन सिग्नल देख रहे हैं शायद आपको काम दिख रहा होगा, थोड़ी सी और बड़ा कर देते हैं। देखिए ये जो ग्रीन सिग्नल आप देख रहे हैं, ये ग्रीन सिग्नल आपको कहाँ हो गई, ऊपर में हो गई। ठीक है, और इसी चीज़ को यदि आपको करना है नीचे में, देखिए ये लोअर हो गई, आपको टेक्स्ट जो है ये इस साधारण भाषा में आप ये समझ लें कि यदि जो इरर है इरर के ऊपर टेक्स्ट करना है तो आप यहाँ पे करेंगे रेड। ठीक है, रेड करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, और यदि इरर के जो सिंबल जो दिख रहा है इसके नीचे टेक्स्ट को करना है तो कर देंगे हम लोअर। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। एक था एक्सपर्ट कर्निंग, एक्सपर्ट कर्निंग जो आपको फोटोशॉप वगैरह में पेज मेकर में दिखता है कि कर्निंग से क्या होता है कि जो दोनों कैरेक्टर है उन दोनों कैरेक्टर के बीच में जो है स्पेसिंग को कम करता है, पर इसमें ऐसा होता नहीं है और वहाँ पर भी नहीं होता है, लेकिन जो जेन्युइन विंडो जो ओरिजिनल वगैरह होते हैं वो ओरिजिनल विंडो में आपका काम करता है।
ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखें कि करेक्टर को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, 200 कर सकते हैं, एक्सपेंड करा सकते हैं, आप यहाँ पर नॉर्मल भी रख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये भी नॉर्मल आपका पोजिशन रहेगा, अगर आप रेस्ट करेंगे तो ये आपका ऊपर जाएगा, अगर आप लोअर करेंगे तो आपका इरर वाला नीचे आएगा। तो इस प्रकार से आप इसे चौंका भी सकते हैं लोगों को, अगर कोई डिफॉल्ट कर दे रहा है तो आप इसे हटा भी सकते हैं। तो आज के लिए बस वीडियो में आज इतना ही, जो कि हमने डिफॉल्ट सेटिंग के बारे में बताया था और ये डिफॉल्ट सेटिंग आप कैसे लगा सकते हैं, किस रूप में लगा सकते हैं ये आप जानिए, और आपका फॉर्मेट किस प्रकार से बनेंगे आप इस प्रकार से ट्राई करते रहें। अब इस वीडियो में आज का इतना ही, आगे की वीडियो में हमारा फॉन्ट पैराग्राफ चलेगा, पैराग्राफ में हम आपको आगे के सारे चीज़ को आपको बताते रहेंगे। और अगर आपको कहीं पे दिक्कत लग रहा हो या समझ में दिक्कत लग रहा हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कम से कम बता सकते हैं, इतनी तो आज़ादी आपके पास है ही, ठीक है। जो भी पूछना हो, जो भी बताना हो, आप हमें ज़रूर बताएं।